गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल विल बी फाइन. स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश में पोइट्री सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था. हम पोइट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक समरी ऑफ द पोएम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. आज मैं आपको पोएम्स के स्टेंजास के बारे में बताऊंगी कि जो पैसेज होते हैं उन पैसेज में से आंसर्स कैसे पिक आउट किए जाते हैं. आई होप यू विल ऑल लिसन केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. पोएम फर्स्ट, द रोड नॉट टेकन, और इसके पोइट का नेम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैसेज दिया हुआ है. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. डाइवर्ज मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में. वुड, वुड यहाँ पे फॉरेस्ट, जंगल को कहा गया है. तो इस पोएम में क्या बताया हुआ है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, कि पीले पत्तों वाले एक जंगल में, एक वुड में दो सड़कें अलग अलग डायरेक्शन में बटी हुई थी. एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर. और मुझे ये बात बहुत फील होती है कि मैं अकेला वहाँ पर था, वन ट्रैवलर, मैं अकेला जाने वाला यात्री था. और आई कुडंट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन, मैं वहाँ बहुत समय तक खड़ा रहा और मैंने वहाँ देखा. एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था, मेरी नज़र पहुँच सकती थी, मैंने वहाँ तक देखा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. बेंट होता है झुकी हुई, अंडरग्रोथ होता है झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़. मैंने दूर तक देखा, झाड़ियों के बीच में एक तरफ कहीं सड़कें, मतलब कोई झाड़ियाँ मुड़ी हुई थी उस सड़क पर मैंने देखा. तो स्टूडेंट्स, ये एक पैसेज था. इस पैसेज से ये फाइव क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो आपने इस क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करना है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेम द पोएम एंड द पोएट. ये क्वेश्चन जनरली है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि पोएम का नेम और पोएट का नेम बताना है. ये जो पैसेज है ये किस पोएम से लिया गया है और इसके पोएट का नेम क्या है? द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन. तो पोएम के नेम को आप सिंगल इन्वर्टेड कोमास में राइट डाउन करोगे और इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होना चाहिए. द रोड नॉट टेकन, ये है पोएम नेम. एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. पोएट के नेम को आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं राइट डाउन करोगे, आप इसका फर्स्ट लेटर, नेम का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्या है? हाउ मैनी डाइवर्जिंग रोड्स वर देयर, कि वहाँ पे कितने रोड्स बटे हुए थे. देखो पोएम में हमने रीड किया ना, टू रोड्स फर्स्ट लाइन में दिया हुआ आंसर. देखो आप इस कंप्लीट लाइन को सेम एज इट इज़ राइट नहीं करोगे, आप इसे आंसर्स की फॉर्म में राइट डाउन करोगे. क्वेश्चन से ही आंसर पिक आउट करते हैं, बट इन्होंने यहाँ सिर्फ नंबरिंग पूछी है. हाउ मैनी रोड्स, देन आंसर देयर वर टू डाइवर्जिंग रोड्स, कि वहाँ पर सिर्फ दो रास्ते बटे हुए थे. थर्ड क्या है? व्हाट वाज द पोएट सॉरी अबाउट. पोएट को बुरा क्यों फील हो रहा था? देखो सेकंड लाइन में दिया हुआ है. एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ. देखो इस लाइन को आप एज इट इज़ राइट नहीं करोगे, आप इसको आंसर्स की फॉर्म में राइट करोगे कि पोएट ने अपने बारे में यहाँ बताया. तो यहाँ किसके बारे में पूछा गया? पोएट के बारे में. तो पोएट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही वॉज सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रैवल. देखो आई के जगह पे, यहाँ आई के प्लेस पे क्या आंसर में क्या आ जाएगा? ही कुड नॉट ट्रैवल बाय बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम. कि उसे क्या सॉरी फील हो रहा था, बुरा लग रहा था कि वो सेम टाइम पे दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड ही कीप लुकिंग एट, वो क्या देख रहा था? तो आंसर क्या है? देखो एंड लुक्ड डाउन ऑन वन एज फार एज आई कुड टू आई कुड. देखो इस लाइन के अंदर इसका आंसर गिवन है, बट आप इसको एज इट इज़ राइट नहीं करोगे, तो आंसर आप क्वेश्चन से निकालोगे. इसमें क्या है? ही, जब यहाँ क्वेश्चन में डूडस दिया होता है तो आंसर में फर्स्ट फॉर्म आती है, और जहाँ क्वेश्चन में सेकेंड फॉर्म दी हुई है, मतलब डिड दिया होगा, तो आंसर में यहाँ सेकेंड फॉर्म आ जाएगी. तो आंसर क्या होगा? डिड को हम रिमूव कर देंगे, व्हाट को हम रिमूव कर देंगे. आंसर होगा ही कैप्ट, कीप की सेकेंड फॉर्म, कैप्ट लुकिंग डाउन वन ऑफ द टू रोड्स. वो क्या कर रहा था? दोनों रास्तों की तरफ
देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फार कुड ही सी, कि वो कहाँ तक देख सकता था। देखो इसमें आंसर दे रखा है ना, एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, तो आंसर यहीं से निकलेगा, ही कुड सी अप टू वेयर द रोड्स बेंट इन द बुशेस, वो वहाँ तक देख सकता था जहाँ तक रास्ते में झाड़ियाँ मुड़ी हुई थी। तो ये था बेटा फर्स्ट पैसेज। नेक्स्ट मैंने आपको पैसेज थर्ड करवाया है। थर्ड पैसेज क्या है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो उसने क्या देखा, दोनों रास्तों को देखा मॉर्निंग सुबह सुबह, कि दोनों के दोनों रास्ते ही पत्तियों से भरे हुए थे, लेकिन इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन होता है कुचलना, ब्लैक मतलब काली होना, मतलब उस रास्ते को देख के ऐसे लग रहा था अभी कोई भी उस रास्ते पे नहीं गया, क्योंकि उसकी जो पत्तियां थी वो बिल्कुल ताजी थी, वो पैरों से कुचलकर ब्लैक नहीं हुई हुई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं किसी दूसरे दिन, किसी अन्य दिन मतलब किसी अनदर डे मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया उस रास्ते को कि आज मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लेट्स ऑन टू वे, लेकिन मुझे ये पता था, येट नोइंग हाउ वे लेट्स ऑन टू वे, कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता रहता है, ये बात मुझे पता थी, बट आई डाउटेड शक होना, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे शक हो रहा था कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा वहाँ से। तो ये था पैसेज। अब इस पैसेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द टू रोड्स कवर्ड विद, वो दोनों रास्ते किससे ढके हुए थे, देखो इस लाइन में क्या हुआ, क्या राइट किया हुआ है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग लेड डाउन इन लीव्स, तो दोनों रास्ते देवर कवर्ड विद लीव्स, पत्तियों से ढके हुए थे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट शोड दैट नाइदर ऑफ द टू रोड्स हैड बीन यूज दैट मॉर्निंग, क्या देखने से लग रहा था कि उस सुबह दोनों रोड पर कोई भी नहीं गया था, क्या सीन से आपको पता चला, यहाँ क्या आया हुआ है, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, देयर वर नो साइंस ऑफ स्टेप्स ऑन देम, क्योंकि वहाँ पर किसी के चलने के निशान नहीं थे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पोएट डाउट, पोएट को क्या शक था, एंड वाई और क्यों, देखो ये क्वेश्चन है ना, उसको क्या शक था कि एक रास्ता दूसरे से निकलता है, और उसे ये शक भी था कि क्या वो कभी वहाँ वापस आएगा, तो आंसर क्या होगा, ही न्यू दैट, वो जानता था, क्या जानता था, देखो येट नोइंग, वो जानता था कि वन रोड ऑलवेज लेड्स टू अनदर, कि एक रास्ता दूसरे रास्ते से निकलता है, सो ही डाउटेड, इसीलिए वो शक, उसे शक था इफ़ ही कुड एवर कम बैक टू टेक द फर्स्ट रोड, कि क्या वो कभी फर्स्ट रोड पर वापस आएगा, क्योंकि एक से दूसरा रास्ता, दूसरे से तीसरा रास्ता, तो रास्तों से रास्ते निकलते रहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पोएट कीप फॉर अनदर डे, उसने दूसरे दिन छोड़ने का क्या निश्चय किया, देखो है ना, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ही केप्ट द फर्स्ट रोड, उसने पहले रोड को छोड़ दिया ये सोच के कि वो किसी अन्य दिन, किसी दूसरे दिन वहाँ पर जाएगा, तो आंसर क्या है, ही केप्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे। स्टूडेंट्स देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कभी पूछा जा सकता है, या तो नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट, या फिर आपको एक वर्ड दिया होगा उसका मीनिंग फाइंड आउट करा, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, विच वर्ड इन द पैसेज मीन क्रश्ड और ट्रैम्पल्ड, मतलब क्रश्ड होता है कुचलना, ट्रैम्पल्ड का मीनिंग भी कुचलना होता है, कि आपने ये मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग, इसका जो आंसर होगा ना वो आपको इस पैसेज में गिवन होगा, तो आपको वो फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्रश मीन्स होता है कुचलना, देखो इस पूरे के पूरे पैसेज में कुचलना वर्ड का मीनिंग क्या था, ट्रोडन, ट्रोडन मीन्स क्या था, कुचलना, तो आंसर क्या होगा, ट्रोडन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेम्प्ट करोगे कि एक वर्ड दिए होंगे, उस वर्ड का मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है कि इस पैसेज में, अगर यहाँ मेंशन किया हुआ है विच वर्ड इन द पैसेज, कि जिसका मीनिंग क्या है, क्रश्ड। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ये दो पैसेज करवाए हैं, आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे। बाकी इस पोइम से रिलेटेड जो भी पैसेज है आप उसे सेल्फ करोगे, मतलब आप उसे अपने आप सॉल्ट आउट करके देखोगे, बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।